हांगकांग के विमान का टायर फटने से बाल बाल बचे 293 यात्री, निकासी के दौरान 11 घायल। हांगकांग की कैथे पैसिफिक विमान CX-880 को शनिवार तड़के तकनीकी समस्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने से पहले रोक दिया गया। आपातकालीन निकासी के दौरान 11 यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 9 को छुट्टी दे दी गई है। हांगकांग से लॉस एंजलिस जा रही फ्लाइट में 17 क्रू सदस्य और 293 यात्री सवार थे। सार्वजनिक प्रसारक RTHK ने पुलिस के हवाले से बताया कि विमान का एक टायर अत्यधिक गर्म हो गया था, जिससे कारण वो फट गया था। विमान कंपनी ने मांगी माफी। कैथे ने एक बयान जारी कर कहा कि यात्रियों को 5 डोर एस्केप स्लाइड्स का उपयोग करके विमान से बाहर निकाला गया। कैथे ने कहा, हमारे सहयोगी अस्पताल में भर्ती 2 यात्रियों को और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। विमान कंपनी कैथे ने ग्राहकों को हुई परेशानियों के लिए माफी भी मांगी है।